अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट चैप्टर फ़ाइव तक जो है वो मिस्टर चिप्स जो है वो पढ़ चुके हैं रेगुलर uh, क्लासेस में कॉलेज में आज हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर सिक्स से दे आर हैव फॉलो दैन आर टाइम ऑफ सच हैपीनेस दैट चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टर वर्स हार्डली बिलीव्ड इट कु हैव हैपन सेंस बिफोर और सिंस इन दर्ल्ड ऐसा खुशी का एक वक्त रहा था मिस्टर चिप्स के लिए कि उसको याद करते हुए बाद में भी वो बहुत मुश्किल ही यकीन कर सकते थे कि ये ऐसा कुछ हुआ था पहले या बाद में कभी दुनिया के अंदर फॉर हिज मैरिज वॉज आर ट्रायमफर्ट सक्सेस क्योंकि उनकी जो शादी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्राइम वैसे इसका मतलब जो है फ़ाते होना है सक्सेस जाहिर कामयाबी तो उनकी शादी जो है वो ज़बरदस्त कामयाबी थी कैथराइन कंकर्ट ब्रुकफील्ड ऐसी है कंकट चिप्स कैथराइन ने ब्रुकफील्ड को भी वैसे ही जीत लिया था जैसे उस उसने जीता था मिस्टर चिप्स को

उससे यानी कैथराइन से, से जेलसी महसूस हुई थी क्योंकि वो बहुत यंग थी और बहुत ही काबिल मोहब्बत थी गुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चाम्स तो वो भी ज़्यादा देर तक उसकी जो दिलकशी है उससे अपने आप को रोक ना सकें बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वॉज द चेंज शी मेड इन चिप्स लेकिन सबसे ज़्यादा काफ़ी जिक्र वो तब्दीली थी जो उसने मिस्टर चिप्स के अंदर की थी टिल हिज मैरेज ही हैड बीना ड्राई एंड रदर न्यूट्रल सर्ट ऑफ पर्सन अपनी शादी तक वो एक बड़े खुशक मिजाज से और रदर जो है वो एक मतदिल किस्म के इंसान थे लाइकड एंड थाट वेल ऑफ बाई ब्रुक फील्ड इन जनरल और वो पसंद किए जाते थे और अच्छा अच्छा समझे जाते थे ब्रुक फील्ड में जनरली बट नॉट ऑफ दिस स्टफ़ दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलरिटी लेकिन वो इस तरह के नहीं थे कि जो उस तरह के नहीं थे जो कि बहुत ही पॉपुलर शख्सियात होती हैं और स्टर्स ग्रेट ऑफ एक्शन या जिन जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और शफकत हासिल कर लेती हैं ये बीन एट ब्रुक फील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी वो तक़रीबन एक से वन थर्ड सेंचुरी से भी ज़्यादा वहाँ ब्रुक फील्ड में रहे थे लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज़ अ डिसेंट फैलो एंड अ हार्ड वर्कर और उन्होंने ये इतना अर्सा था कि वो अपने आप को एक अच्छे साथी के तौर पर और एक हार्ड वर्किंग इंसान के तौर पर जो है वो इस्टब्लिश कर लेते बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ एवर बींग मच मोर लेकिन ये वक्त जो है वो बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ़ एवर बींग मच मोर लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है वो सॉरी लॉन्ग इनफ लेकिन इतना ज़्यादा अर्सा नहीं था हुआ कि वो यकीन कर लेते हैं कि वो इससे भी कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगन टू टू सिंक इन टू दैट क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडिगोची